तो ए सी टी का वेट कर रहे हैं हम अब। नहीं वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे है और जो कि इंडिया में है। इसका एल्टीट्यूड आप देख सकते हैं 5330 एल्टीट्यूड मीटर में आप चेक कर सकते हैं। और ये सलूट है पीआरओ को जिसने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। गाइस इफ यू देखिए ये वही रोड है जो लद्दाख में सबसे फेमस, यहाँ पे लोग हमेशा फोटो क्लिक करते हैं। Get all the things you've been tired and told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Get in these voices inside, just stay quiet. Go to the place where all this began. Just start again. ऐसे देखिए हमारी गाड़ी लगा रखी है हमने, ऑटोमेटिकली खुद ही मोड़ रही है, स्टीयरिंग देखो अपने आप कट रहा है। हमारे ड्राइवर साहब डर रहे हैं, कह रहे यार मेरे को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस सवारी भी डर रही है। अगर ये भूल गए ना महिंद्रा तो हम भी भूल जाएंगे, कैसे जाएंगे। छोड़ दे स्टीयरिंग, छोड़ दे। सामने से गाड़ी और आ रही है, एक बाइक आ रहा है और हमारे डर बढ़ता जा रहा है। क्या ये महिंद्रा में बचाएगी? स्टीयरिंग पकड़ के रख, अब छोड़ दियो उसके बाद ना, यहाँ पे जैसे टर्न आ रहा है छोड़ दे, छोड़ दे। गाड़ी नीचे उतार दिया हमने, वेरी नाइस। पकड़ो, इतनी दूर से आएगी सही नहीं आ पाएगी।
गाइस ये देखो केव सी बनी रखी, ये पत्थर अपने आप कटे हैं, किसी मैन मेड नहीं है कि हवा से कट कट के इस तरह से बन गए हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो व्यू आपका, साइड से नदी जा रही है और ये पत्थर देखो, सारे पहाड़ कभी भी गिर सकते हैं जो बने हुए। हल्का सा अर्थक्वेक आया भाई साहब, सनरूफ के कितने मजे आ रहे हैं। अरे पूरे 21 वसूल हो गए भाई तेरे, 21 दो बार मतलब 42 दोता 42 किस हिसाब से, अरे दो बार वसूल करें ना हमने, ऊपर के वसूल करें, 42 की फॉर्च्यूनर आती है ना, फॉर्च्यूनर में सनरूफ तो नहीं आ पाता। तो वो महंगी क्यों है पता ही ना क्या है इसमें, क्योंकि इसमें सनरूफ का सस्पेंशन एक महंगा है, सस्पेंशन तगड़ा है उसका। ये देखो बर्फ पड़ रही है, इंसुलेट हो जाएंगे आराम से, अभी थोड़ी होगी गाइस स्नोफॉल देखो, जैसे ऊपर जाएंगे स्नो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो गाड़ी मंदिर अबे क्या यार चलो ना जल्दी पास अबे ऊपर और मिलेगी ना। गाइस सामने देखो ट्रक पलट चुका है, यहाँ पे होता क्या है कई बार रोड पे जगह नहीं होती कि दूसरी गाड़ी को जगह दे पाए, इसी चक्कर में इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो हमेशा आओ, हमेशा संभल के ड्राइव करो लद्दाख में। खैर वो सब छोड़ो, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्नोफॉल। ऊपर क्लाउड्स देखो, क्लाउड्स बर्फ पड़ रही है ऊपर, नदी बर्फी है ना, से सर्चू को करीब 50-60 किलोमीटर्स के अराउंड था। अब टाइम हो गया हमारे लंच का, तो भूख लगी थी, हमने सोचा थोड़ा सा लोकेशन देख के खुद से सेल्फ कुक करते हैं, और आप लोकेशन देखिए हमारी। बोरी हमारी कार्स, और आपको लोकेशन ये देखिए, रिवर देखिए, रिवर ये देखिए, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, टेम्परेचर आई थिंक 5-6 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंड भी बहुत है, मज़ा भी आ रहा है बहुत। ये देखिए गाइस, आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ, ये वाटर क्रॉस करना है हमें,
हेलो गाइस, हम यहाँ से हमने गाइस इतनी तेज हवा चल रखी है कुकर अपनी तरफ से। देखो फाइनल एक्सपेरिमेंट बाय मुरीर सफल हुआ है, मुरीर का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया फाइनली, और ये चटकारे ले रहे हैं। मुझे भी खिला पर लगा दिया, और ये देखो किस चीज़ से बंद रखी, डेटा केबल से। और ये हमारे फ्राइड राइस ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं 15-20 मिनट में। सो फाइनली आज अपने सिटी मान ली, ठंड के चक्कर में सिटी नहीं आ रही है, तो ये सिटी का वेट कर रहे हैं हम। गाड़ी में ठंड इतना है, लास्ट सिटी रह गई है, ठंड इतनी क्या करें। चलो ओके, टाटा बाय बाय। दौड़ने खाने को तैयार। फाइनली 2 डिग्री टेम्परेचर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमारे चावल बनके तैयार हो गए हैं। आप कमेंट्स में बताना देखकर कि ठीक बने या फिर ऐसे ही हैं। गाइस बहुत अच्छा लंच किया हमने, लंच वंच करने के बाद अब हम निकल चुके हैं 12 लाचा के लिए। व्यू देखो आप, पे क्या होता है कि गाड़ी चढ़ नहीं पाती, एयर ले जाती है, तो कई बार इस तरह से हेल्प करनी पड़ती है। वेल डन गाइस, गाइस पहुंच गए 12 लाचा पास। ये रहा एटीट्यूड 4850 मीटर। अरे यार मैंने फोन निकाला चला गया। हमारा चौथा पास आज का दोस्तों, हमने पांग क्रॉस कर लिया, पांग के बाद आपका सरचू के बाद अब हम पहुंच गए स्पीति वैली। तो ये है तो बहुत सुंदर, यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत फेमस ट्रैक है, शायद चादर ट्रैक है नाम उसका। मन तो था बहुत ज़्यादा कभी ट्रैकिंग करूँ ये वाली, बट अभी हम एक्चुअली घर के लिए लेट हो रहे हैं, एक भाई को थोड़ा सा एक काम है घर पर इम्पॉर्टेंट, तो हम ये भी सीधा घर के लिए निकल रहे हैं। कभी नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे यहाँ पे ट्रैक करने का। मोदी तो प्रोडक्ट बनाता है टनल पनल को, तो और प्रोडक्ट की भी साले फोटो लेती हो वो फिर निकल। आराम से वो तो रुकेंगे देखिए, हम पहुंच गए यहीं पर, बैग एक्सचेंज कर ले तो अटल टनल, तो हम भी वहीं रुक के फाइनली वी रीच्ड। अब देखो स्पीड लिमिट है, या तो स्लीपर पकड़ लेते हैं। चलूं रुकूं? नहीं रुकूं, आया भी नहीं पता, दिख भी नहीं रहा, एक भी चीज बोलो ना, एक भी चल 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 उसने भी नहीं रोकी।
दोस्तों 3-4 घंटे हो चुके हैं ट्रैफिक में फंसे, कोई तो बता दो आगे हो क्या रहा है, एटलीस्ट जाम किस चीज़ का है, कब तो पता चले उसको, कब खुलेगा वो। गाइस हमने मनाली क्रॉस कर लिया, मनाली के बाद मंडी, मंडी से हम रात को ही निकल गए थे और रात को हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना गंदा ट्रैफिक जाम, ऊपर 2 ट्रक ख़राब हो गए और उसके बाद हम अप्रोक्स 4 घंटे फंसे रहे ट्रैफिक में। और उस ट्रैफिक के बाद अब हम नीचे पहुँचे हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले, इतने ज़्यादा थके हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए सब के सब, अब घर के लिए निकल रहे हैं हम यहाँ से डायरेक्ट। गाइस हम निकल चुके हैं घर के लिए और अभी हम करनाल पहुँचे हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी क्योंकि आपको पता है लद्दाख से वापस आने के टाइम पे गाड़ी की क्या हालत हो जाती है, तो मैंने सोचा घर ले जा रहा हूँ तो मैंने कहा पहले पूरा क्लीन करा के साफ़ करा के तभी लेके जाऊँ। बाकी इस गाड़ी ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसकी, हमने लद्दाख में देखा इसमें कोई भी इशू नहीं हुआ किसी भी तरह का। अब हम सब अपने अपने घर जा रहे हैं, चल वरुण भाई, ओके बाय 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 बाय। गाइस हम पहुंच गए हैं दिल्ली, अभी हम 12 पुला रोड पे हैं और मौसम देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है, हम अपने साथ में लद्दाख से लेके आए हैं मौसम दिल्ली वालों के लिए स्पेशली। गाइस हम पहुंच गए अपने घर फाइनली 1 हफ्ते बाद।